इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप में कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, जो कैमरा का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो गाइस, आप भी यूज करते हो लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप में हमें किसी भी जो वीडियो कॉल करना है, फोटो खींचना है, लेकिन हमारा कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आप हमारे इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद मैं स्टार्ट पे क्लिक करके कैमरा को ओपन करता हूँ, तो हमारा लैपटॉप में कैमरा है वही ओपन नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैंने ओपन किया है, लेकिन उसमें ओपन नहीं हो रहा है। तो आपके इस तरह लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, मैं सबसे पहले क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो कई सारे सेटिंग देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, जो ऐप है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको ऐप एंड फीचर्स पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद उसमें कैमरा का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं स्क्रॉल करके कैमरा पे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद उसमें आपको एडवांस ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलो, मैंने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो कैमरा है वही आपको रीसेट करना है। तो चलो, मैं रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा लैपटॉप में कैमरा है वही हमारा रीसेट हो जाएगा। तो स्क्रीन पर देख लीजिए कि मैंने रीसेट पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद आपको प्राइवेसी में जाना है, तो चलो मैं बैक बटन पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद जो हमारा कैमरा है वही हमारा रीसेट हो गया है। तो आपको जाना है बैक। बैक करने के बाद आपको प्राइवेसी का ऑप्शन है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलो, मैं प्राइवेसी पे क्लिक कर देता हूँ, और आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और आपको कैमरा पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो चेंज का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद उसमें जो ऑफ है तो वही आपको ऑन करना है। तो चलो, मैं चेंज पे क्लिक करके ऑन कर देता हूँ, और ऑन करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है जो ऑफ है तो उसमें भी आपको ऑन कर देना है। तो चलो, मैं ऑन कर देता हूँ, और ऑन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो फिर से कैमरा का ऑप्शन है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे, जो ऑफ है तो वही आपको ऑन कर देना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कैमरा ऑन है, तो आपको इसी तरह ऑन कर देना है, और ऑन करने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। तो चलो, मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, और आपको सर्च में टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। तो चलो, मैं डिवाइस मैनेजर को सर्च कर देता हूँ, और सर्च करने के बाद उसमें कैमरा दिखने को मिल जाएंगे, तो उसका जो ड्राइव है वही आपको अपडेट कर देना है। तो चलो, मैं हमारा डिवाइस मैनेजर मैंने लैपटॉप में ओपन कर दिया है, जो कैमरा का ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करके राइट साइड क्लिक करके अपडेट ड्राइव पे क्लिक कर देना है, तो कैमरा का जो ड्राइव है वही आपको अपडेट कर देना है। तो चलो, मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो हमारा सही से अपडेट हो गया है, और अपडेट होने के बाद चले मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से लैपटॉप में कैमरा को ऑन करना है कि हमारा कैमरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो, मैं सभी लाइव प्रूफ करके आपको बता रहा हूँ। तो चलो, मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लोज पे क्लिक करने के बाद चलो मैं स्टार्ट पे क्लिक करके कैमरा पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारा लैपटॉप में फिर से कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, फिर से इस तरह जो प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वही मैं क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद चले मैं वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव प्रूफ करके आपको बताने वाला हूँ कि जो भी हमने स्टेप जो फॉलो किया है वही आपके लैपटॉप में फॉलो करना है, और जो आगे फॉलो कैसे करना है वही मैं आपको रिकॉर्ड ऑफ करके बता देता हूँ। तो गाइस, स्क्रीन पर देख लीजिए कि मेरा लैपटॉप में कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। तो दूसरा आपको जो फॉलो करना है, जो आपको F10 प्रेस करना है, जो कैमरा का ऑप्शन है वही आपको ऑन कर देना है। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा सही से लैपटॉप में कैमरा है वही हमारा ऑन हो गया है। जो भी हमने फॉलो किया है वही हमारा सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैंने लैपटॉप की स्क्रीन फिर से ओपन कर दिया है, लेकिन हमारा जो लैपटॉप में प्रॉब्लम था कैमरा का, तो मैंने लाइव प्रूफ करके सॉल्व करके आपको बता दिया है कि लैपटॉप में कैमरा का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको फोटो खींचना है तो फोटो भी खींच सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो।
कैमरा में लैपटॉप में जो कैमरा का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो भी मैंने स्टेप बताया है वही स्टेप फॉलो करके आपका प्रॉब्लम है वही आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मैंने कैमरा को ऑन करके भी बता दिया है कि जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वही हमारा सही से वर्क कर लिया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।